ऐसे कई प्रकार के कैंप लग रहे हैं, लेकिन आज जो हमारे फ्री में हेलमेट देने का मकसद एक ही है, कितना जरूरी है एक हेलमेट आपकी जिंदगी को बचाए, और उसको बचाने के लिए हम एक छोटा सा है जिन्होंने इस कार्यक्रम को फाइनेंस किया है। देखिए, जैसे आप जानते हैं रोड सेफ्टी मंथ डिस्ट्रिक्ट डोडा में मनाया जा रहा है। 15 तारीख से शुरू हुआ था, आज 11th डे है, और इसके तहत हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की। आप ही के साथ एक रैली भी निकाली थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। आज की जो एक्टिविटी थी वो ये थी कि जो हमारे टू व्हीलर्स हैं जो विदाउट हेलमेट घूमते हैं, बेसिकली जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमें मोटिवेशन और एनफोर्समेंट दोनों को साथ लेके चलना है। तो अभी एनफोर्समेंट भी हमने की और मोटिवेशन के लिए हमने इन लोगों को हेलमेट दिए, बिकॉज सब लोगों का कहना था कि सर इमरजेंसी में निकलना पड़ गया। ये इमरजेंसी में निकलना और GMC की इमरजेंसी में पहुंचने में टाइम नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं ये हेलमेट्स ज़रूरी हैं, और टू व्हीलर्स के लिए तो स्पेसिफिकली रोड सेफ्टी फॉलो करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अनस्टेबल होता है और एक्सीडेंट होने पे काफ़ी फैटल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसी के तहत ये जो आज की एक्टिविटी की गई। ड्राइविंग सीखना आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, और इसके तहत ड्राइविंग स्कूल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो जैसे आज का हमारे फंक्शन हुआ, इसमें भी हमारे साथ एक ड्राइविंग स्कूल ने एसोसिएट किया, बट उसको एसोसिएट करने से पहले हमने उनके पूरी डॉक्यूमेंटेशन चेक की, उनकी रिन्यूअल वगैरह सारा देखा, वो सब फिट पाया गया तो ही हमने उनको अपने साथ किया। मेरा एक मैसेज रहेगा जितने हमारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं, वो यही है कि देखिए, रोड सेफ्टी में जितने ज़िम्मेदार हमारे ड्राइवर या व्हीकल ओनर हैं, उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार हमारे ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत लोग एक कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि हमने ड्राइविंग सीख ली, और फिर जाके लाइसेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी को जो एक प्राइमरीली एक इम्पॉर्टेंस मिलना है, वो ड्राइविंग स्कूल्स के थ्रू शुरू होना है, और अगर किसी को वायलेशन करते हुए पाया गया तो उस पर एक्शन किया जाएगा।